Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. है कि LG को, CBI को, ED को, सारी संस्थाओं को मोदी ने बिठा रखा है सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी का विरोध करने के लिए। उनको जेल में रख के प्रताड़ना कैसे देनी है, ये इनका मकसद है और इसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। कोई सबूत केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं है, कोई सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं था। 17 महीने उनको रखा, मुझे 6 महीने रखा, क्या मिल गया? ऐसे ही केजरीवाल जी का मामला है, उनको ED कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जबरदस्ती उनका नया केस CBI का बना के उनको जेल में रखा हुआ है। जिस दिन जवाब दाखिल करना है उस दिन CBI भाग जा रही है, जवाब नहीं दाखिल कर रही है। ये बिल भारत के संविधान के खिलाफ है और भारत के संविधान से बढ़ के ना तो नरेंद्र मोदी है, ना अमित शाह है, ना हम है, ना आप है, तो भारत के संविधान के खिलाफ ये बिल है। और संविधान क्या कहता है? धारा 26 ये कहती है कि धार्मिक उपासना पद्धति की मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वारे में जाने की, पूजा पाठ करने की और उन संपत्तियों का प्रबंधन करने की पूरी स्वतंत्रता और आज़ादी इस देश के अंदर है और उसमें किसी भी सरकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है, ये धारा 26 कहती है भारत के संविधान की। आप एक वक्फ बोर्ड के बिल के बारे में भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, आप कह रहे हैं ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होता है जो गलत है। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और गए हैं, लोग कानूनी लड़ाई लड़े हैं, जीते भी हैं कई मामलों में। आप झूठी बात फैला रहे हैं, कह रहे हैं इससे 12,000 करोड़ की आमदनी हो सकती है, तो पकड़ के लाओ नीरव मोदी को, 20,000 करोड़ वसूलो, 12,000 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे दो और 8,000 करोड़ रुपए सरकार के मुनाफे में ले जाओ। आपने 43 कंपनियों का 3,53,000 करोड़ माफ कर दिया और वक्फ बोर्ड का बिल लाने के लिए आप ऐसे बहाने कर रहे हैं, पता नहीं कहां से ये तर्क लेके आए, एक बात। दूसरी बात क्या है? मकसद यह है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों को कब्जा करके अडानी को देना है, आगे गुरुद्वारा की जमीनें कब्जा करेंगे, आगे चर्च की जमीनें कब्जा करेंगे, दलितों आदिवासियों की जमीनें कब्जा करेंगे, जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देने का मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, इसलिए हम लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। पहली JPC की बैठक में क्या हुआ? JPC की बैठक की बात आपकी मीडिया में मैं नहीं बता सकता। 44 अमेंडमेंट सुझाए गए हैं, उनको कैसे गए? 44 सुधार बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ संविधान के खिलाफ है ये बिल, भारत का संविधान। आप कौन होते हैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम तय करने वाले? आप कह रहे हैं 5 साल तक एक मुसलमान अपने मुस्लिम धर्म के सारे नियमों का पालन करेगा, उसको देखेगा कौन? नरेंद्र मोदी जी सर्टिफिकेट देंगे उसका? हिंदू धर्म में कोई नास्तिक होता है, कोई आस्तिक होता है, मुस्लिम धर्म में कोई जुमे की नमाज पढ़ता है, कोई 5 वक्त की पढ़ता है, कोई 2 वक्त की पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। तो आप कौन होते हैं तय करने वाले प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कौन है कि नहीं है, प्रैक्टिसिंग हिंदू कौन है कि नहीं है? तुम घर घर में CCTV लगाओगे? तो इसलिए ये, और जिस तरह की तर्क दे रहे थे कि इसमें महिला सदस्य हम लाएंगे, अरे तुम क्या लाओगे महिला सदस्य, तो पहले से है इसमें। तो ये बिल जो है, मैं बुनियादी तौर पे कह रहा हूँ कि ये भारत के संविधान के खिलाफ है और भारत का संविधान 144 करोड़ लोगों के लिए है, तो इसलिए ये सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है, ये देश के लोगों का सवाल है। हम सब मिलकर इसका